सभी दीदियों को प्रणाम। दीदी आज यहाँ कहे अलग अलग समूह से आके बैठे हुए हैं। हाँ दीदी, मैं भी तो देख रही हूँ, सब समूह से दीदी लोग आके बैठी हुई है। हाँ दीदी, हम लोग यहाँ विशेषकरण से बैठे हुए हैं। हाँ दीदी, आप लोग का समूह अच्छा से चल रहा है? दीदी, समूह तो विकास का पहला कदम है, हम लोग को इससे आगे बढ़ना है। दीदी, हम लोग को गांव के स्तर से भी एक संगठन बनाना चाहिए जो समूह से ऊपर हो, जो इससे हम लोग को अच्छा आर्थिक सहायता मिल सके और सामाजिक समस्या का हल खोजने में भी आसान हो। गांव के स्तर से भी सामाजिक समस्या का हल हो सके, इसके लिए क्या कर सकते हैं दीदी? दीदी, हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, आखिर समूह भी हम ही लोग बनाए हैं ना। दीदी, पहले भी गांव की लड़की लोग स्कूल नहीं जाती थी, लेकिन गांव की लड़की सबको स्कूल भेजने का काम किए। लेकिन गांव में और भी समस्या है, नशा का समस्या, सिंचाई का समस्या, बाल विवाह, दहेज प्रथा, ये सब हम लोग का गाँव में समस्या बहुत सारे हैं। इसके लिए हम लोग का समूह को ग्राम स्तर पर जोड़ना होगा। ऐसा करने से आर्थिक सहायता भी पहले से बेहतर होगा। हाँ दीदी, गांव के स्तर से आर्थिक सहायता मिलेगा तो हम लोग और अच्छा से काम कर सकते हैं। ग्राम स्तर से समूह जोड़ने पर सरकारी योजना का भी बेहतर लाभ मिलेगा, जैसे सरकारी योजना, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, इंदिरा आवास और मनरेगा। ग्राम स्तर पर संगठन बनने पर बैंक लिंकेज का भी आसानी होगा। हाँ दीदी, सब समूह के दीदी अभी तो अलग अलग हैं, लेकिन अगर ग्राम स्तर से जुड़ेंगे तो गांव की सामाजिक समस्या भी दूर करेंगे। दीदी, हम लोग जो समूह को ग्राम स्थल में जोड़ेंगे उसको ग्राम संगठन बोलेंगे, ठीक है ना दीदी लोग? हाँ। दीदी, ग्राम संगठन में तो सभी समूह का दीदी लोग कैसे आएंगे? दीदी, इसका भी उपाय है, महीना में एक बार बैठक होता है, इसी बैठक उसमें सब समूह का सचिव और अध्यक्ष को आना पड़ता है। दीदी, तीन महीना में एक बार बैठक होता है, उसमें जीबी बैठक में सभी सदस्य को हर समूह का आना पड़ता है, इसीलिए महीना में सभी सदस्यों को आना नहीं पड़ता है और जीबी बैठक में ही सभी सदस्यों को आना पड़ता है। दीदी, जब ग्राम संगठन बनेगा तो उसमें हर समूह से सिर्फ सचिव और अध्यक्ष ही आते हैं। दीदी, ग्राम संगठन जब बनेगा तो इसमें उप समिति का भी होना जरूरी है। दीदी, उप समिति से क्या फायदा है? ग्राम संगठन अलग अलग काम करता है, जैसे सामाजिक समस्या दूर करना और समूह को आर्थिक सहायता पहुंचाने का। हर काम का निगरानी के लिए उप समिति का होना जरूरी है, जैसे खरीदारी उप समिति, बैंक लिंकेज उप समिति, सोशल ऑडिट उप समिति, एसेट मॉनिटरिंग उप समिति। तो सभी उप समिति अपना नाम के अनुसार काम करेगी। दीदी, हम लोग का ग्राम संगठन बनेगा तो समूहों का ऑडिट करने में भी आसानी होगा और मॉनिटरिंग करने में भी आसानी होगा। ग्राम संगठन बनने से समूह का ग्रेडिंग करने में भी आसानी होगा।